अब काले भाई बताए यार, इसको काले भाई क्यों बोलते बता। लोग मेरे को पूछते रहते हैं कमेंट में, इसको काले भाई क्यों बोलते हो बस। बारिश नहीं आएगी तो आएंगे। यहाँ से आपको गांव का व्यू दिखा रही हूँ, काफी खूबसूरत लग रहा है और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है। कौन से ऐसे कर दे, कट पूरा टूट गया, वहां पर तीन हिस्से हो गए, यहाँ से एक दो तीन। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दिन के लगभग 3 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपने दादी लोगों के घर पे, जिनको आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, हमारे चाचा चाची लोग जो दिल्ली से आ रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था उनके घर पे पूजा है, तो पूजा यानी कि घड़ेला उनके घर पे हो रहा है, तो काफ़ी जगह उसको जागर भी बोलते हैं, तो हमारे इधर गढ़वाल में घड़लू बोलते हैं, तो वही अभी ऊपर चल रहा है, देव कार्य चल रहा है। तो अभी हम सब लोग कौथी में जा रहे हैं, मम्मी लोग तो चले गए हैं, तो चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को भी दिखाते हैं और चाची लोगों से सबसे आप लोगों को मिलाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुकी हूं कौथी देखने के लिए और ये देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं और कुछ लोग ऊपर भी बैठ रखे हैं, तो जगह नहीं हो रही थी तो चाची और मैं यहां पे बैठ रखे हैं। ये देखो। हेलो दोस्तों, प्रणाम दादी, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो? तो दोस्तों, हम यहां कौथी देखने आ रखे हैं, तो आप लोग आ जाओ। आते तो नहीं है ना, बोलने तो चाची लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं और मम्मी लोग उधर बैठ गए, क्योंकि मम्मी लोग पहले आ गए थे ना, उनको जगह मिल गई। ये देखो, चाय भी आ गई, यहाँ पे टी ब्रेक होने लग गया, ठीक टाइम पे पहुंची मैं। दोस्तों, ऐसे कॉफी में ना चाय पीने का अलग ही मजा रहता है। ये देखो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। दोस्तों, अभी जागर खत्म हो गया है, यानी कि घड़ेला खत्म हो गया है और अभी मैं छत में आ रखी हूँ और यहाँ से आपको गांव का व्यू दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसने तो कुछ दिखाया ही नहीं जागर में, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों को पता है हम तो उत्तराखंड से हैं, हमको पता है उत्तराखंड देवों की भूमि है और हम देवताओं में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो कोई लोग जैसे आउट ऑफ उत्तराखंड के, तो वो उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो फिर उनके उल्टे उल्टे कमेंट आने लगते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ हमारी संस्कृति का मजाक बने, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, हल्का हल्का सही दिखाती हूँ। तो बस यही रीज़न है कि मैंने आपको जागर ज़्यादा नहीं दिखाया। तो अभी मैं छत में आ रखी थी आपको गांव का व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है और ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे माँ नारी देवी का मंदिर, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारे गाँव का व्यू लगता है। ये देखो, पूरा आगे तक पूरा ये हमारा ही गाँव है, नारी गाँव। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉथी खत्म हो गया और बारिश भी आने लगी, तो यहाँ पे सारे जो भी तिरपाल बिछा रखे थे बैठने के लिए, तो सारे उठाने लगे। ये देखो हमारी माता श्री भी। दोस्तों, यहाँ बारिश का मौसम हो गया, इसलिए हम इसको उठा रहे हैं, फिर शाम को इसी में बैठ रहे हैं। हाँ, तो इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। सही बात है, और बारिश के चक्कर में ना मम्मी प्रणाम करना ही भूल गई। अरे प्रणाम। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, मैं भूल गई, देखो ये कैसे कर रहे हैं तिरपाल। तो बारिश आने लगी ना, तो पूरा यहाँ पे जो भी सिस्टम था तिरपाल वगैरह उसको उठा रहे हैं यहाँ से। पूरी भगदड़ मच गई यहाँ पे, क्योंकि अचानक से बारिश भी आने लगी ना, तो आजकल ऐसी हो रहा है, मतलब किसी भी टाइम बारिश आ जा रही है, किसी भी टाइम धूप लग जा रही है, तो मौसम आजकल पहाड़ों में ऐसी हो रखा है, थोड़ा गड़बड़ गड़बड़। तो रात को देखते हैं यहीं पे कौथी होगा या फिर अंदर होगा, अगर बारिश रहेगी फिर तो अंदर ही कौथी होगा। रात को आएगी मोनिका दीदी? हाँ, रात को आऊंगी। इसका तो कोई भरोसा नहीं दोस्तों, पर हो सकता है मैं आ सकती हूँ अगर बारिश आएगी। दोस्तों, ताई का भरोसा नहीं है, ताई बिस्तर में चली जाएगी तब नहीं आएगी। सही बात है, नहीं मैं कोशिश करूंगी एडिटिंग जल्दी खत्म कर दूंगी, उसके बाद जरूर आऊंगी रात को, क्योंकि रात को ना बहुत ज्यादा मजा आता है, मतलब कौथी वगैरह ऐसे होते हैं तभी सब लोग मिल पाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। मिलना होता है सभी, जैसे ऊपर खतरना सभी आते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग भी आते हैं सब। हाँ, तो दोस्तों अभी हम घर जाने लगे हैं और यहाँ पे हमें हमारी दादी भी मिल गई खतेणा की। बाय। हेलो वाला। हेलो। आशीर्वाद या सब आशीर्वाद। हाँ, तो दादी ना ऐसे कॉफी वगैरह। अरे हाथ नहीं रे, क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो दादी ऐसा ना कॉफी कुछ में खूब आई रहती है, रात को ना, ठीक है कॉफी में। अच्छा, बारिश आएगा तो कैसे होंगे, बारिश नहीं आएगी तो आएंगे। दादी भी रंगमत है हमारी तरह, दादी भी हमारी तरह खुश रहते हैं, खुश मिजाज। ठीक है, तो बाय बोलो सबके लिए। हाँ, शाम को मिलेंगे तब रात को, ठीक है? हाँ, ठीक है, पक्का है। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के सामने पे हैं, देख सकते हो पीछे से है हमारे गांव का मंदिर, और यहाँ पे आने का ना अलग ही सुकून रहता है यार, सही में यहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। मेरे साथ है काले भाई और सानिया। हेलो, अब काले भाई बताए यार, इसको काले भाई क्यों बोलते बता।
लोग मेरे को पूछते रहते हैं कमेंट में इसको काले भाई क्यों बोलते हो। बस मेरे को काले भाई इसलिए बोलते, छोटी थी ना जब थोड़ा काली थी ना इसीलिए मेरे को काले भाई बोलते हैं। कोई पूछ रहा था कि काले भाई किसकी लड़की है, तो मैं सिंगर चाची की लड़की हूँ। हाँ तो मतलब ऐसे मजाक में बोलते हैं इसको काले भाई, और उसको भी बुरा नहीं लगता है, तो वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे बोला करो, तो इसीलिए हम बोलते हैं। सब ऐसे बोल रहे काले भाई जो मिलते हैं मार्केट में, काले भाई काले भाई। तो वो मतलब उसको अपना असली नाम से कोई नहीं जानता है। तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो गया, चलते हैं घर की तरफ। जय हो माँ नारी देवी। तो दोस्तों अभी मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ, और घर में आते ही मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया ना, सही में क्या बोलूँ। वो अनमोली बताएगा अभी कि इसने क्या कांड किया है, क्योंकि मेरा इससे बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा है। अभी यही बताएगा अभी इसने क्या कांड किया है, बता। तो दोस्तों दीदी का मतलब नया ट्राइपॉड आया था, मैंने कमरे दीदी के कमरे में गया और देखा मैंने ये क्या है ये चीज़, और मैंने इसको मतलब जो पहले वाला ट्राइपॉड था ना उसकी जैसे ऐसे चुड़ा कर दिया, मतलब जान से ऐसे कर दिया, कट पूरा टूट गया। वहाँ पर तीन हिस्से हो गए यहाँ से, एक दो तीन। और उसके बाद मैंने क्या किया, मुझ पर आफत आ गई मतलब, और मैं अपने कमरे में गया, सब कुछ मैंने ऐसे जोरदार के फिट कर दिया, दीदी के कमरे में रख दिया उसके बाद। और उसके बाद जो टुकड़े थे ना इसके, वो मेरे कमरे में पड़े हुए थे। दीदी ने कैसे भी करके एक सबूत ढूंढी दिया और कमरे में एक टुकड़ा मिला। दीदी ने मुझे क्या ही बताऊं भाई, और आपकी भी बड़ी बहन होगी ना तो ऐसे डांट तो खाई ही होगी कहीं। भाई क्या बोलूं, मुझे तो इसमें हंसी भी आ रही है। मतलब ना ये पता नहीं मेरी चीज़ों पे क्यों छेड़ता है। इतनी बार मैं इसको मना करती हूँ यार मत छेड़ा कर मत छेड़ा कर, जब मैं रहती हूँ या फिर मुझसे मांग लिया कर अगर तुझे देखना है कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ ऐसे बर्बाद हो। मतलब मैंने इसको अभी ना मतलब एक बार भी यूज़ नहीं किया है, बस मैंने आज ही आया था ये, और मैंने अंदर पर रखा हुआ था, मैंने ढंग से देखा भी नहीं था। और मैं ऊपर चले गई थी पूजा में, मैंने कहा घर आके अच्छे से देखूंगी यूज़ करके कि कैसा है, कम्फर्टेबल है या नहीं है। तो ये फ़ोन का स्टैंड था, मैंने कहा कभी फ़ोन से ब्लॉग बनाऊंगी तो फ़ोन पर अटकाने के लिए होगा, तो इसने इसको पूरा तोड़ दिया। मतलब ये अटकाने के लिए भी नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ से अटकाना था इसने पूरा तोड़ रखा है। तो मतलब इतना ज़्यादा मेरा मूड खराब हो गया ना, पैसे इसने बर्बाद कर दिए और घर में आते ही नुकसान भी कर दिया। मतलब चीज़ आई नहीं थी कि नुकसान पहले ही कर दिया है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सभी। और मतलब दिमाग देख रहे हो अटका उटका के रखा हुआ है कि दीदी को लगेगा कि इसके हाथ से ही टूट गया। क्या ये बोलूँ, मुझे तो बात ही करने का मन नहीं कर रहा है इससे। और बारिश देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, इस बारिश ने भी आजकल दिमाग ही खराब कर रखा है। वैसे काम चल रहा है पर भी जागर चल रहा है, पूजा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बारिश में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। वैसे मैं 7 बजे तक ही उठती हूँ, तो आज मैं जल्दी इसलिए उठी हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल मेरा व्लॉग पूरा नहीं बना था, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि हम रात को जाएंगे कॉथी देखने के लिए, और रात को बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमारा प्लान कैंसिल हो गया और मेरा व्लॉग पूरा बना ही नहीं। मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि आधा अभी बना लूँगी व्लॉग और आधा व्लॉग रात को कंटिन्यू करूँगी, तो इसीलिए मैं व्लॉग पूरा करने के लिए आज सुबह जल्दी उठी हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो आप लोग पीछे देख सकते हो पूरा मौसम कैसा हो रखा है, कोहरा कोहरा हो रखा है पूरा। ये देखो कल से बारिश ही, मतलब बारिश तो वैसे परसों से लगी हुई लेकिन कल से तो कुछ ज़्यादा ही बारिश लगी हुई है। तो हमारी माता श्री भी, अनमोल भी उठ गया, गुड मॉर्निंग, और माता श्री भी उठ गई, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक ठाक? मम्मी ने धोखा कर लिया कल मेरे साथ? नहीं धोखा नहीं किया, हमने कल रात को जाना था, इतनी बारिश हो गई क्या बताएं, बहुत ज्यादा बारिश हुई इसलिए हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमारे वो दूसरी दीरानी, हमारे चाची भी आ गए दूध लेने के लिए। ये देखो, हेलो मोनिका, कैसे हो? सब बढ़िया है। और दोस्तों देखो सुबह सुबह हमारी आंखें कैसे सूजी रहती है, मतलब सुबह उठ के ना ज़्यादा ही लगता है, हमारा मुंह तो ज़्यादा ही लगता है ऐसा सूजा सूजा। हाँ फिर से ठंड स्टार्ट हो गई भाई, मैं बोली रही थी आप लोगों को पहाड़ों में, मतलब जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होनी थी वैसे ठंड शुरू हो रही है फिर से। तो दोस्तों अभी मैं जा रखी थी दादी लोगों के घर पे, दिल्ली वाली दादी के घर पे दूध देने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो पीछे से मंदिर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जय हो माँ नारी देवी। तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए, मौसम ख़राब ही हो रखा है वैसे भी आज। यहाँ पे देखो हमारा भ्राता श्री, मेरा छोटा भाई, यहाँ पे झाड़ू मार रहा है। और झाड़ू किससे मार रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये झाड़ू है खजीर का, जो कि मम्मी लेके आई थी भैंस गांव से, तो झाड़ू मारने के काम आता है ये, बहुत ही अच्छा। दोस्तों ये खजरा है, इसको खजरा बोलते हैं। तो जो इसका पेड़ होता है ना वो नारियल के पेड़ की तरह होता है, तो इस पे छोटे छोटे खजरे लगते हैं लाल लाल, जो कि मेरे मायके में भी बहुत होते थे। तब हम इसके इसको ना गेहूं का भूसा नहीं होता उसके अंदर रखते थे, उसके झुमके होते थे वहाँ अंदर घुसाते थे उनको, फिर दो तीन दिन में देखते थे कि पक गए नहीं, फिर वो पक जाते थे, काले हो जाते थे। तो ये भैंस गांव से लाए हम इतनी दूर से, ये झाड़ू बहुत सारे ला रखे हैं हमने,
तब इससे अनमोल झाड़ू मार रहा है। तो पहाड़ों में ऐसी जो और घास भी होती है कुछ ना, जिनसे हम झाड़ू बना सकते हैं, तो मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बोलते हैं उसको दोस्तों, तो हम खरीद के नहीं लाते, कभी कभार ला गए वो बात अलग है। अल्मोड़े का भी बनता है, अल्मोड़े का भी बनता है, अल्मोड़ा अंग्रेज आए टैक्स में वो वाला नहीं, अल्मोड़ा होता है, घास होता है, घास होता है ना, तो उससे भी झाड़ू मारते हैं। फिर झाड़ू हम सीख वाली झाड़ू ज्यादा यूज करते हैं ना, हाँ ये वाली भी करते हैं, पर सीख वाली भी चाहिए ना हमको। तो अनमोल का काम होता है सुबह झाड़ू मारना, और कुछ नहीं करता है, सुबह झाड़ू मारना, दुकान में जाना और एक पानी का बर्तन लाना, करता है बहुत कुछ काम करता है। मम्मी का लाडला है ना, तो मम्मी उसका उसके साइड लेगी। जानती हूँ मेरा बेटा कितना काम करता है, बहुत करता है। क्या क्या काम करता है चल बता। पानी ये लाता है दोस्तों, बेस पानी में खोल, ये बाबा कभी कभी वो तो कभी कभार होता है, झाड़ू मारता है, बुजू सामान सब पहले रुक जा मेरे को बोलने दे, झाड़ू मारता है ये ऊपर, झाड़ू मारता है, पोछा मारता है फिनाइल का, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार नहीं मारता, डेली ड्यूटी इसकी है, कभी छूट गया वो बात अलग है। और छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं, दुकान में भेजना ही, कभी जाते नहीं, बस अनमोल जा यहाँ जाओ। तो दोस्तों मम्मी की बातों में बिलीव मत करना, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि अपने भाई से इतना काम कराते हो, सच बोलती है ना, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, नहीं नहीं काम करता है, सिर्फ अपने कमरे में झाड़ू मारता है, बाकी कहीं नहीं। झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? नहीं, अपने कमरे में मारता है बस, क्योंकि वहाँ टफी रहता है ना, सामने माँ खड़ी है। तो माँ अपने भीतर तो मार दो, खा रही ब्याह मारे ब्याह भी, ये दोनों तो जब मिलता है ना तो एक हो जाता है दोनों के दोनों, फिर मेरे को कोई नहीं पूछता, ये मम्मी का लाडला है। लाडला और क्या हुआ था, छोटा है, लाडले की बात नहीं है, मैं ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करती कि मेरा बेटा है उसको मैं ज्यादा प्यार करूंगी, वो तो ऐसी है। बात बिल्कुल नहीं है, ये मेरे दिल में नहीं है, मैं ज्यादा अपनी बेटियों को प्यार करती हूँ। सही बात है। तो दोस्तों आप लोग दिमाग में मत रखना इस बात को, आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम अनमोल से बहुत काम कराते हैं, मतलब छोटे मोटे काम तो करने ही चाहिए यार हर किसी को, मतलब पानी लाता है वो कभी कभी अपने कमरे की सफाई कर लेता है, तो इतना तो चलता ही है यार, हर किसी को करना चाहिए इतना काम, क्योंकि कल को अगर 12th पास करते हैं तो फिर उनको काम सीखना भी जरूरी है, अकेले रहेंगे कल को, तो काम सीखा रहेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो अनमोल को फिर दिक्कत नहीं होगी ज्यादा, हमने उसको पूरा काम सिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मैंने व्लॉग को एडिट करना है, उसके बाद अपलोड करना है, और फिर से नया व्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो अपलोड करने में तो लगभग बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वैसे नॉर्मली मैं रात को अपलोड करती हूँ, तो सुबह तक अपलोड हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बारिश आती फिर तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाती है। तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं, एडिट करते हैं और जल्दी से अपलोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।